हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जेएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, हम लोग यहाँ पे यूनिट 7th यानी कि डिजीज एंड कंट्रोल पढ़ रहे थे और बीते कुछ 2-3 लेक्चर्स में हमने यहाँ पे देखा है कि किस तरह से अलग अलग डिजीजेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हर एक डिजीज का हम कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसके साथ में हम उसका सिम्टम्स देख रहे हैं, उसके साथ में डिजीज साइकिल कैसी है उस पर्टिकुलर डिजीज की, और साथ में उसका हम कंट्रोलिंग मेजर भी पढ़ रहे हैं कि कैसे उस डिजीज से बचा जा सकता है, क्या उसके कंट्रोल मेजर है, कैसे उसको रोका जा सकता है डिजीज को फैलने से। तो आई थिंक इतनी बार मैंने ये चीजें बता दी कि अब आपको दिमाग में बैठ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग को हर एक डिजीज के बारे में उनके अलग अलग चीजों को पढ़ना है कि हर एक डिजीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अब बीएससी लेवल पे आप लोग को कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर एक डिजीज जो है वो किसके वजह से हो रही है। तो एटलीस्ट आपको जितने भी डिजीजेस यूनिट 7th में दिए हैं सबका कॉजल ऑर्गेनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए। और ये मैं पहली बार नहीं बोल रही हूँ, काफी बार बता याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का एक क्लास और देख लेते हैं आज क्या हमें डिजीजेस है जो पढ़नी है। सभी का वही पैटर्न रहने वाला है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, डिजीज साइकिल और प्रिवेंटिव मेजर, है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो आज डिजीज हमें पढ़ना है ये स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड। समझ में आ रहा है कि जो मस्टर्ड होता है, सरसों होता है, उसके जो स्टेम है उस पे ये डिजीज लगती है और इस डिजीज का नाम है स्टेम रॉट, ठीक। तो ये जो स्टेम रॉट है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोशियम की वजह से होता है। क्या है इसका नाम? स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोशियम। कई बार ये एस डॉट स्क्लेरोशियम भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इनका परफेक्ट स्टेज जो है वो एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। परफेक्ट स्टेज का मतलब है कि ये अपनी सबसे बेस्ट स्टेज कहां दिखाते हैं, तो एस्कोमाइकोटिना के अंदर दिखाते हैं, जिसके अंदर आता है एस्कोमाइसिटीज। तो हम सब जानते हैं कि एस्कोमाइसिटीज की परफेक्ट स्टेज का मतलब है कि इनके अंदर वो सेक्सुअल स्पोर बनना, जिसे हम लोग एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। तो वो स्पोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हमने ये शुरू में देख लिया है कि ये जो डिजीज है स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड, अगर ये डिजीज स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोशियम की वजह से हो रहा है और ये एस्कोमाइकोटिना के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली बात है हमें ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बनने हैं और कुछ असेक्सुअल स्पोर्स भी बनेंगे और उसी तरह से इनकी लाइफ साइकिल भी हमें समझ आ जाएगी, ठीक। तो ये है, और फंगस जो है यहाँ पे क्या करता है, स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करता है और ये स्क्लेरोशिया एक तरह से आगे डेवलप करके एस्कोस्पोर्स बना लेते हैं। तो ये जो स्क्लेरोशियम इनके फंगस के जर्मिनेट करके एपोथीशिया बनाते हैं, एपोथीशिया से आगे चल के वापस से एस्कोस्पोर्स बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्लेरोशियम है इसमें यहाँ पे डायरेक्टली एस्कोस्पोर्स नहीं बन रहे, कहीं ना कहीं इसमें आपको एपोथीशिया बनता हुआ दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्क्लेरोशियम बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक दो स्ट्रक्चर है जो कि इनके बीच में आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स के यहाँ पे बात करें कि किस तरह से पहचानेंगे आपके यहाँ प्लांट में भाई ये डिजीज लगी है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि स्टेम जो है ये फ्लावरिंग के बाद में इसमें सिम्टम्स देखना शुरू होते हैं। मतलब अगर सरसों का पेड़ है तो उसमें फूल जब होने लगते हैं तो उसके बाद इस स्टेम में डिजीज लगती है, तब सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। सिम्टम्स जो है सबसे पहले निचले हिस्से के जो लीव्स है उनमें पहले दिखते हैं और यहाँ पे दिखेगा क्या, छोटे छोटे भूरे रंग के ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे स्टेम्स पे और लीव्स पे, ठीक है। ये जो स्पॉट्स हैं धीरे धीरे साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं जिनसे आप इनको इस डिजीज को स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड को पहचानते हैं। आगे चल के जो स्पॉट्स है ये सब मिलकर एक बड़े बड़े स्पॉट्स बनाने लगते हैं। पहले मतलब शुरुआती समय में क्या होगा, ये स्पॉट्स छोटे छोटे साइज में होते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं काफी ज्यादा। यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन जब हो जाता है, मतलब कहूं कि बहुत ज्यादा जब इन्फेक्शन किसी भी प्लांट पे हो गया, मतलब वहां पे ये जो फंगस है पूरी तरह से वहां पे अपना जो कह सकते हैं जमा चुका है अपने आप को वहां पे, तो उस समय इन्फेक्शन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में एक्सफोलिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि वहां पे जो उनके सेल्स और टिश्यूज होते हैं वहां से वो निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन अब धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज्यादा जब फैल जाता है तब ये चीज होती है। स्टेम्स जो है यहाँ पे जो अफेक्ट होते हैं ये 5 से 6 फीट के हाइट तक रहते हैं, ठीक। और सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो स्टेम पे दिखेगा एक मोटे से थिक व्हाइटिश फेल्टिंग के जैसे, जैसे कि आप देखें कि जैसे वो होता है क्या बोलते हैं वुल होता है, ठीक है। तो वुल जैसा दिखता है उसी तरह से आपको ये स्टेम पे भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूँ ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको थोड़ा मैं जूम इन करके अगर आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा स्टेम है इसमें आपको कहीं कहीं रूई जैसा ऐसा दिख रहा है, ठीक। ये जो रूई जैसा अपीयरेंस यहाँ पे दिख रहा है या और कोई नहीं है, यही फंगस है स्क्लेरोशियम,
ठीक है, तो उसका अपीयरेंस शुरुआती समय पे आपको स्टेम में ऐसा रूई जैसा वुलन अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको इधर दिख रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस दिख रहा है, इधर के स्टेम पे यहाँ दिख रहा है, ये पूरी तरह से हर तरह से इसको कवर करा जा रहा है इसके पूरे स्टेम को। ये पूरा सरसों का स्टेम है, मस्टर्ड का स्टेम है, ठीक। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी जब शुरुआत में इन्फेक्शन लगा होता है और लीजन्स धीरे धीरे ये क्या होते हैं जब बढ़ते हैं तो ये किसी भी उनके स्टेम को बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं और प्लांट्स जो है आगे चल के स्ट्रॉ कलर के हो जाते हैं। स्ट्रॉ कलर का मतलब क्या है, जो स्ट्रॉ जो होती है, वाइट जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो वैसे ही पूरे स्टेम को कर डालते हैं आगे चल के। उसके बाद ये आपको स्क्लेरोटिनिया देखने को मिलेगा, स्क्लेरोशिया पैथोजन का, जो कि इन्फेक्टेड स्टेम में आपको देखने को मिलता है और साथ में उनके पॉड में भी। तो पॉड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सरसों के दाने होते हैं, उनके फ्रूट को पॉड कहा जाता है। तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और वो इन्फेक्शन स्क्लेरोशिया के फॉर्म में रहता है, क्योंकि इनका इन्फेक्शन का मतलब है कि ये स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। और फिर एपोथीशिया, और एपोथीशिया से प्रोड्यूस होगा क्या, एस्कोस्पोर्स। तो इस तरह से ही चलता है डिजीज साइकिल। आप इसमें आप समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। दिमाग में रखना है कि हाँ एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है और इसी तरह से इनकी डिजीज साइकिल भी चलेगी। तो स्क्लेरोशिया जो है ये सबसे पहले जब ये ग्राउंड पर गिरेगा तो ये एक प्राइमरी इनोक्युलम के तरह काम करता है, मतलब पहला इन्फेक्शन जो है वो यहां से शुरू होगा। प्राइमरी इनोक्युलम, मैं इनोक्युलम का मीनिंग पहले ही बता चुकी हूँ, जहां से इन्फेक्शन शुरू होता है, जहां से इन्फेक्शन पहली बार लाया जाता है। तो ये सर्वाइव करते प्लांट्स में और सॉइल में रह जाते हैं और सीड्स के अंदर भी रहते हैं एक कंटामिनेंट के जैसे अप टू 5 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 5 सालों तक इनका इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक। ये जर्मिनेट करके माइसीलिया प्रोड्यूस करते हैं या एपोथीशिया प्रोड्यूस करते हैं। मैंने बताया था ना एपोथीशिया से आगे एस्कोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एपोथीशिया है इसके लिए आप अल्टरनेटिव वर्ड माइसीलियम भी यूज कर सकते हैं। और सभी जानते हैं माइसीलियम क्या बताया था बच्चों, यूनिट 4th में बताया था कि माइसीलियम का मतलब ग्रुप ऑफ हाइफी को कहते हैं। और ग्रुप ऑफ हाइफी क्या है, वही पूरे फंगस की जो बॉडी है जहां पे आपको थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर इसी को हाइफी कहते हैं। ऊपर स्पोरेंजियम है, ढेर सारे अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। इन्हीं का जब एक ग्रुप तैयार हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है यहाँ पे माइसीलियम। अब ये इसे माइसीलियम कहिए या यहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं एपोथीशिया। तो ये दोनों वर्ड है, ये आके प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो माइसीलिया इन्फेक्ट करेगा जब प्लांट को, ठीक, तो ये या तो सॉइल लेवल के ऊपर तक करता है या तो सॉइल लेवल के नीचे तक भी ये इन्फेक्शन दे देगा उस मस्टर्ड के प्लांट को। बहुत सारे एस्कोस्पोर्स जो है फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं हवा में और इसी एपोथीशिया से। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ बच्चों कि ये जो माइसीलियम है इसी को दूसरे वर्ड में बोल रहे हैं इधर एपोथीशिया। तो ये जो एपोथीशिया है, अब यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि एपोथीशिया और कुछ नहीं, इनका माइसीलियम को कहा जाता है और इसी एपोथीशियम से आगे एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये याद रखना है आपको। यही कहा कह रहा है कि एपोथीशिया बनने के बाद एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये जो एस्कोस्पोर्स है बहुत किलोमीटर्स तक ट्रैवल करके दूसरे नए मस्टर्ड को प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, फिर से वही साइकिल चलेगी। तो इस तरह से इनकी डिजीज साइकिल चलती है। एस्कोस्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो इनके स्पोर्स में से जो ट्यूब निकलता है उसको बोला जाता है जर्म ट्यूब। ये जर्म ट्यूब निकलेगा और यहां से ये क्यूटिकल से निकलते हुए होस्ट प्लांट की बॉडी तक पहुंच जाएगा। क्यूटिकल क्या होता है बच्चों, एक वैक्स की कोटिंग जो कि किसी भी प्लांट के सबसे लीफ वाला जो सरफेस होता है, लीफ जो होता है उसी के ऊपर पाया जाता है, एक तरह का वैक्स की कोटिंग होती है। अब ये कहीं ना कहीं जब ये एस्कोस्पोर्स उन दूसरे नए फ्रेश प्लांट तक पहुंचते हैं मस्टर्ड के, जहां पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उनके लीफ तक पहुंचने के बाद उस क्यूटिकल से वो अंदर घुस जाते हैं और वहां से फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, उस तरह से पूरी तरह से स्टेम के अंदर तक ही घुस जाएंगे, उसके लीव्स तक अंदर तक चले जाते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन करते हैं और नए नए प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इनकी पूरी डिजीज साइकिल जो है वो चलती है। ये डिजीज साइकिल का पूरा डायग्राम, इसमें और कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जैसे देखें तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इधर से माइसीलियम से, ठीक है। ये देखिए माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम जो है ये स्क्लेरोशिया से डेवलप हो रहा है। तो स्क्लेरोशिया मैंने जैसे सबसे पहला हम लोग ने टर्म स्क्लेरोशिया पढ़ा था, तो ये जो स्क्लेरोशिया है ये कहीं ना कहीं आपने इन स्ट्रक्चर्स का नाम सुना होगा। जब मैंने यहाँ पे फंगस यानी कि यूनिट 4th जब पढ़ाया था माइकोलॉजी, उसमें बताया था। तो स्क्लेरोशिया जो होता है ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि रेस्टिंग वाले होते हैं, ठीक है। रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं मतलब ये एक्टिव स्पोर नहीं है, ये इन्फेक्शन का काम नहीं करते हैं, है ना। तो ये रेस्टिंग स्पोर्स को स्क्लेरोशिया कहते हैं। यही स्क्लेरोशिया जब डेवलप करेगा तो वो माइसीलियम बना के, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में, एपोथीशिया बनाएगा,
ठीक है, और फिर इन्फेक्शन करेगा ये प्लांट पे, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन करते हैं, और फिर वापस से जब इनसे रेस्टिंग स्पोर्स निकलते हैं तो वापस उनको स्क्लेरोशिया कहेंगे। तो इस तरह से एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर यहाँ पे चल रहा है जो कि स्क्लेरोशिया के जरिए होता है। उसके आगे यहाँ पे देखें तो ये जो साइकिल है, अब यही स्क्लेरोशिया आगे जर्मिनेट करता है तो वही क्या कहलाता है, एपोथीशिया कहलाता है, जिसको हम सिंपल वर्ड में माइसीलियम बोल रहे हैं। अब ये एपोथीशिया जब प्रोड्यूस करेगा तो वो नए स्पोर्ट्स जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एपोथीशिया से एस्कोस्पोर बना, एस्कोस्पोर जो है प्रेसोरियम के पास जाके यहाँ से इन्फेक्शन कर रहा है इस मस्टर्ड के प्लांट पे, ठीक। और देखिए ये पॉट पे भी कर सकता है, इनके मतलब जो फ्रूट है जिसके अंदर सरसों के छोटे छोटे दाने होते हैं, और उसके अलावा इनकी लीव्स पे भी कर सकता है। तो इसमें आपको दो तीन टर्म्स याद रखने हैं बच्चों, याद रखिएगा, एक तो सबसे पहला जो रेस्टिंग स्पोर है इनका, इसका नाम स्क्लेरोशिया है, दूसरा इनका स्पेशल तरह का माइसीलियम जिसे एपोथीशिया कहा जा रहा है, और तीसरा भैया इसको स्पोर्स, क्योंकि उसी के कैटेगरी में। तो इस तरह से आप डिजीज साइकिल इनकी याद रखें। इसके बाद आता है लास्ट में इनका कैसे तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर क्या है। तो डिजीज जो है सबसे पहले समय जब शुरुआत में दिखती है तो वह फेब्रवरी के समय में दिखेगी, और फिर ये आपको अलग अलग और भी होस्ट पे देखने को मिल सकता है, जैसे चिनोपोडियम में देखने को मिल सकता है, बेटा वल्गैरिस में देखने को मिल सकता है, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। चिनोपोडियम क्या है बच्चों, बथुआ को बोलते हैं, ठीक है, बथुआ का साग सभी खाए होंगे, तो चिनोपोडियम एल्बम उसको कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है। ये जो पैथोजन है ये पॉलीफेगस होता है, मतलब ऐसा पैथोजन जो कि फील्ड्स में रहकर अलग अलग प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक। तो एक तरह से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर एक जो फंगस है वो बहुत स्पेसिफिक है कि भाई वो इसी प्लांट पे इन्फेक्शन करेगा, उसके अलावा दूसरे प्लांट को नहीं टच करेगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा है कि ये पॉलीफेगस टाइप का पैथोजन है, मतलब हमेशा ये पैथोजन जब भी फील्ड में रहेगा तो ये बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स पे इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे इधर हमने देखा कि ये कुछ ऑब्जर्व किया जाता है अगल बगल के भी होस्ट पे, जैसे चिनोपोडियम है, बेटा वल्गैरिस है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, इन सब पे भी इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमें यहाँ पे अभी तक में नया मिला। कल्चरल प्रैक्टिसेस जिसमें डीप प्लगिंग वगैरह करते हैं, जुताई जिसे आप कहते हैं, ठीक है, समर वगैरह के समय, क्रॉप रोटेशन के समय, तो ये सब हम प्रैक्टिसेस अगर करते हैं तो इससे यहाँ पे क्या होगा कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब प्लगिंग की जाती है समय में तो क्रॉप रोटेशन आप कर दीजिए, तो क्रॉप रोटेशन से कहीं ना कहीं हम एक पर्टिकुलर पैथोजन से बच सकते हैं, क्योंकि क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं बच्चों, एक प्लांट लगाया उसके बाद कुछ सीजन के बाद में फिर 6 महीने 7 महीने के अंदर आपने उसी खेत में उसी फील्ड में दूसरा प्लांट लगा दिया, तो क्रॉप को रोटेट करके लगा, इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो वो चीज इधर देखने को मिलेगी, तो वीट बार्ली राइस ये सबसे आप इसको रोटेट करके लगा सकते हैं, तो इससे भी बचा सकता है। तो इससे अच्छी अगर हम सर्टिफाइड सीड्स का इस्तेमाल करें, उसके अलावा हम समय समय पर कोलेटरल होस्ट जो है जैसे चिनोपोडियम वगैरह जो है, कॉलीफ्लावर वगैरह, ये सबको देखते रहें, और डिजीज से होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे उससे खराब हो रही है सारी चीजें, उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह से इसके डिजीज को रोका जा सकता है या कई हद तक बचाया जा सकता है, ठीक। आते हैं अब नेक्स्ट डिजीज पे, बहुत पॉपुलर डिजीज है ये और चांसेस हाई है कि आपको पूछ सकता है, और ये है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये जो होता है, ये आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि किसके वजह से होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो एक तो नाम से डिजीज से समझ में आ गया होगा कि ये जो डिजीज है ये गन्ने के जो स्टेम्स होते हैं उनपे लगता है, शुगर केन के स्टेम्स पे ये देखने को मिलता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो है इसका कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम। क्या है? कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर आता है। तो साफ साफ क्लियर हो जा रहा है ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर है, मतलब इसकी कोई परफेक्ट स्टेज नहीं है। जैसे इससे पहले हमने देखा तो परफेक्ट स्टेज एस्कोमाइकोटिना के अंदर दिखी थी, एस्कोस्पोर्स वहां बने थे, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई परफेक्ट स्टेज नहीं है, क्योंकि ये जिस कैटेगरी में आते हैं ये फंगस ही पूरी तरह से इम्परफेक्ट फंगस कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि इम्परफेक्ट फंजाई का नाम बताइए, आपको पता होना चाहिए इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइकोटिना को कहते हैं। कोई खास या अलग सेक्सुअल स्टेज उसमें देखने को मिलती नहीं है, पूरी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया के जरिए होता है, कई बार क्लेमाइडोस्पोर्स के जरिए होता है। ये सब मैंने यूनिट 4th में माइकोलॉजी में बता दिया था, आई होप आपको याद हो। तो ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर आता है कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम, इसे कहते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका रेड रॉट ऑफ शुगर केन का। क्या होता है इसमें, तो ये जो आपको दिख रहा है काफी कॉमन डिजीज है, आपने अक्सर देखा होगा गन्ने
के जो स्टेम्स होते हैं उन पे लाल लाल जब धब्बे लग जाते हैं, उनके लीव्स पे ये धब्बे लग जाते हैं लाल कलर के, इसी को कहा जाता है इस डिजीज को रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इस इमेज में दिख रहा होगा, ये देखिए गन्ने की पत्तियां हैं, इन पे देखिए जगह जगह पे आपको लाल लाल डार्क रेड कलर के धब्बे दिख रहे हैं, यही है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कॉलिटोट्राइकम फाल्केटम से होता है। ठीक, अब सिंस हमें पता चल गया ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर है तो बहुत आसान होगा इसका डिजीज साइकिल और बहुत आसान होगा इसका सिम्टम्स भी देखना। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं सिम्टम्स के बारे में कि अगर ये डिजीज लगती है प्लांट पे तो किस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये आप देखेंगे कि रेनी सीजन के बाद ये अपीयर होते हैं जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसके अंदर शुगर बनना शुरू होता है। भाई शुगर केन है तो किस लिए उसे लगाया जाता है, उसके लिए मिठास के लिए, उसके शुगर के लिए। तो ये उस समय ये इन्फेक्शन करता है प्लांट पे जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है जब शुगर केन की, और तब जब उसके अंदर शुगर बनना शुरू होता है। ठीक, तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि ये जो भी ऊपर की लीव्स होती है इनके स्टेम पे, शुगर केन के स्टेम पे, वो लीव्स धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगती है, उनको कहा जाता है ड्रूपिंग लीव्स। तो ये ड्रूपिंग लीव्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिले, ये सबसे शुरुआती सिम्टम है। और कहीं ना कहीं शुरुआत में फिर ये क्या देखने को मिलता है कि ये जो पत्तियां हैं ये धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है, येलो पड़ने लगती है। तो सबसे शुरुआत सिम्टम्स यही है। आगे चल के जो स्टेम्स वगैरह है वो सिकुड़ने लगते हैं, शुगर करना मतलब सिकुड़ने लगेंगे, और फिर यहाँ पे ब्राइट कलर जो है एक्चुअल में लीव्स का वो जाने लगता है और ये रिंकल्ड हो जाते हैं, सिकुड़न आ जाती है इनमें। ये जो केन है मतलब शुगर केन, केन शुगर केन एक ही चीज है, तो ये जो केन है ये काफी ज्यादा आगे चल के जब इनमें इन्फेक्शन और आगे बढ़ता है तो इनकी जो स्टेम्स है ये काफी ज्यादा लाइट वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर का शुगर जो बन रहा है वो कम हो जाता है इन्फेक्शन लगने से। तो अपने आप क्या होता है स्टेम का जो है भार है कुछ वेट रह ही नहीं जाता है, स्टेम वेट नहीं रहता है और आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है फिर। ठीक, तो कभी गन्ने को अगर स्टेम्स को अगर आपने तोड़ा होगा तो देखा होगा उसमें काफी जाल लगती है, लेकिन अगर ये स्टेम इसका इन्फेक्शन लग गया है इस फंगस का कॉलिटोट्राइकम फाल्केटम का तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि इसका वेट जो है वो काफी कम हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल रेडनिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि ये जो पूरा स्टेम है इसके लंबाई में आपको यहाँ पे लाल लाल धब्बे देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से आपको देखने को धन मिलेगा। और नॉर्मली यहाँ पे व्हाइट इंटरनल टिश्यू लॉन्गिट्यूडनल रेडनिंग देखने को मिलता है, और नॉर्मली व्हाइट इंटरनल टिश्यूज जो अंदर के टिश्यूज हैं इसके अंदर के गन्ने अंदर से कैसा होता है सफेद होता है, तो वहां पे फिर लाल लाल धब्बे वहां अंदर तक भी जाने लगते हैं फिर। ठीक, और फिर इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनल होने के साथ साथ ट्रांसवर्स में भी आपको लाल लाल धब्बे देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे आगे चल के जो कलर है वो पूरी तरह से गायब होने लगता है, जो ओरिजिनल कलर है शुगर केन के स्टेम का वो गायब होने लगता है और ये आगे चल के जॉइंट्स तक में पहुंच जाता है। डिजीज जो है यहाँ पे ब्लड रेड जैसा छोटे छोटे धब्बे दिखाती है जहां पे डार्क मार्जिन्स डेवलप होते हैं इनके लीव्स पे। लेट सीजन में देखा जाए तो डार्क डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेलवेटी स्ट्रक्चर होता है, वेलवेट जैसे मखमली देखने को मिलेगा। आगे चल के जब इन्फेक्शन फैल जाएगा तो स्टेम पे आपको ये काफी स्मूथ दिखेंगे, वेलवेटी टेक्सचर देते हैं ये। और ये जहां जहां सिकुड़न हुई है वहां पे ये ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा नोड्स और इंटर नोड्स पे। ये नोड और इंटर नोड क्या होता है, तो स्टेम जो का जो वो पार्ट होता है जहाँ पे गांठ जैसा होता है जगह जगह पे आप शुगर केन में देखेंगे, तो इसको नोड कहा जाता है। और दो नोड के बीच के जो हिस्से होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो नोड और इंटर नोड्स पे आपको इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये है कुछ इनके सिम्टम्स। आगे आते हैं और देखते हैं इनका डिजीज साइकिल कैसा चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनोक्युलम है मतलब जो इन्फेक्शन है ये एक जगह यहाँ पे लिव्स फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन, एक ग्रोइंग सीजन से लेकर नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन तक में ये रहता है डिजीज प्लांट में। और भाई यहाँ पे सिंस हम देख चुके हैं कि ये ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर है तो वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होना ही नहीं है, तो कोई सेक्सुअल स्पोर भी नहीं बनेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मैंने बता दिया शुरू में कि कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोनिडिया जो है वो काफी कम समय के लिए जिंदा रहते हैं और इनका कोई रोल नहीं होता है पैथोजन को अंदर जाने में, ले जाने में। ठीक है, मतलब अगर ये चाहते हैं कि इन्फेक्शन फैलाएं अलग अलग शुगर केन में इनके प्लांट्स में, तो ये कोनिडिया से अकेले नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी छोटी होती है, कम समय के लिए जिंदा रहते हैं कोनिडिया जो होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लेमाइडोस्पोर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता हुआ दिखेगा। याद करिए बच्चों, क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो गोल गोल होते हैं और काफी थिक वॉल्ड होते हैं और रेस्टिंग स्पोर होते हैं, है ना। तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स और इसमें पाया जाता है पेरिथीशिया, ये कंसिडर किया जाता है सर्वाइवल के लिए और इन्हीं से इन्फेक्शन भी फैलता है। तो मेन काम यहाँ कोनिडिया जो है वो नहीं कर पाता, क्लेमाइडोस्पोर और
पेरिथीशिया करते हैं। इसर्विलाई जो है ये भी देखने को मिलेगा, ये इनके एक्टिव स्टेट में रहता है और 3 से 4 महीने तक में ये सॉइल में जिंदा रह सकता है। सर्वाइवल जो है माइसीलियम का वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, सफिशियंट टू प्रोवाइड ईजी कैचिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप्स, तो ताकि ये क्या कर सके, आने वाले जो नए नए प्लांट्स हैं उन पे भी आसानी से इन्फेक्शन दे सके, ताकि क्योंकि शुगर केन जो है इसका कोई भी एक डेड सीजन नहीं होता है कि मर गया, लगा रहेगा ये, तो इसीलिए ये भी ध्यान दिया जाता है। उस हिसाब से यहाँ पे हमको माइसीलियम भी देखने को मिलेगा कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। डिजीज जो है ये बॉर्न होते हैं इन द सीड सेट, सीड्स में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन्फेक्शन को या डिजीज को फैलाने में। डिजीज सेट्स जो है मिट्टी में रहते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन जो कि शूट होता है, शूट मतलब वो हिस्सा प्लांट का जो कि रूट के ऊपर पाया जाता है, तो वहां पे ये इन्फेक्शन करते हैं और आगे चल के कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं एसिरविलाई के अंदर। तो एसिरविलाई एक तरह का समझ लीजिए बोरा जैसा है, और उसके अंदर जो ये छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं उन्हीं को यहाँ कोनिडिया कह रहे हैं, तो आगे चल के फिर से ही कोनिडिया नया नया प्रोड्यूस करेंगे। बट एक्चुअल में कोनिडिया तो प्रोड्यूस होगा लेकिन इन्फेक्शन में उसका कुछ खास रोल नहीं होगा, और रीजन है उनका कि उनकी लाइफ स्पैन जो है बहुत छोटी है, कम समय के लिए जिंदा रहते हैं। कोनिडिया जो है एक तरह से सेकेंडरी मींस है इन्फेक्शन का, मतलब प्राइमरी मींस इन्फेक्शन का क्या है, यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर्स है, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। रेड रॉट ऑफ शुगर केन में भले ही कोलेटोट्राइकम फाल्गेटम ब्यूट्रोमाइकोटिना का है, बट कोनिडिया यहाँ पे इनका प्राइमरी इन्फेक्शन का रोल नहीं निभाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन का काम जो है वो क्लेमाइडोस्पोर्स का होगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको कुछ डिजीज साइकिल दिख रही होगी, आई नो कि थोड़ा ये डायग्राम ब्लर है, बट यहाँ पे कोई एग्जैक्ट और बढ़िया डायग्राम मुझे नहीं मिल पाया, तो थोड़ा सा इधर एडजस्ट करेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये है देखिए होस्ट, ये होस्ट है, ठीक, कोई और कलर ले लिया जाए, नहीं नहीं दिखेगा, चलो। तो ये होस्ट प्लांट है, मतलब कि ये शुगर केन है। अब ये जो शुगर केन है यहां पे ये क्या करेगा, नए नए माइसीलियम बनाएगा, मतलब नई बॉडीज बनाएगा, ये होस्ट प्लांट है शुगर केन, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन शुरू करने के लिए ये क्या करेगा, ये या तो क्लेमाइडोस्पोर बनाएगा, ठीक है, और दूसरा ये माइसीलियम बनाएगा जिसके जरिए आगे चल के इनका कोनिडिया तैयार होता है, जो कि ऐसा सिकल शेप का होगा। तो ये है इनका कोनिडिया, तो कोनिडिया बन रहा है, माइसीलियम बन रहा है, इधर क्लेमाइडोस्पोर्स बन रहे हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये आगे चल के ऐसा कुछ गोल गोल आपको देखने को मिलेंगे, यही इन्फेक्शन जो है वो करने वाले हैं, जबकि कोनिडिया जो है शॉर्ट लिव्ड है, तो वो काफी इन्फेक्शन जो है वो फैला नहीं पाता। अब ये जो माइसीलियम है या ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स है, ये यहाँ पे प्लांट के अंदर डिजीज फैलाते हैं, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो इन्हीं से होता है। अब हर एक स्पोर जो है यहाँ से, जो आपको क्लेमाइडोस्पोर दिख रहा है, ये जर्मिनेट करेगा, मतलब अंदर से जो जर्म ट्यूब है वो बनेगी, ठीक, और फिर आगे चल के ये नए होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजीज साइकिल चलती है। डोरमेंट फेज यहाँ पे चलेगा, तो डोरमेंट फेज बच्चों ये तब होता है जो कोनिडिया, जब किसी भी प्लांट जो है आपका शुगर केन का, उसके स्टेम में या लीफ में रह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉरी कोनिडिया लिख दिया, क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। तो क्लेमाइडोस्पोर आप सब जानते हैं रेस्टिंग स्पोर है ना, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर, तो ये बीच में ये डोरमेंट फेज चल रही है ये इतने में, ठीक, इसको डोरमेंट फेज कहेंगे। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, पुराना प्लांट है, प्लांट में से माइसीलियम बना, कुछ क्लेमाइडोस्पोर बने, क्लेमाइडोस्पोर जब प्लांट में आके रह गए तो ये कुछ समय तक के लिए बिना कोई एक्टिविटी दिखाए रेस्टिंग फेज में चले गए, इसको डोरमेंट फेज भी कहते हैं। फिर इन्हीं का जो कोनिडिया है इस माइसीलियम से बना, आगे चल के यही माइसीलियम भी इसमें आ गया है, और फिर यहां से क्या हो रहा है कि ये जो कोनिडिया है जर्मिनेट कर रहे हैं, भाई जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तभी ये जर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बार बार मैं कोनिडिया बोल रही हूँ, क्लेमाइडोस्पोर, तो क्लेमाइडोस्पोर को जब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वापस से ये जर्मिनेट करेगा और दूसरे नए प्लांट को इन्फेक्शन करेगा। तो ओवरऑल आपको कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर देखने को मिलेंगे जब हम रेड रॉट ऑफ शुगर केन की बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो कुछ कंट्रोलिंग मेजर्स के बारे में बात की गई है, कैसे किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फील्ड है
ये फील्ड सैनिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फील्ड सैनिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, कि जो भी खेत है उसको प्रॉपर तरीके से इंफेक्शन फ्री कर दिया जाए, उसको सैनिटेशन किया जाए। तो यहाँ पे ये मेजर किया जाता है, प्रिवेंट एक किया जाएगा, एक बिल्ड अ सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोक्युलम, ठीक, ताकि हम चाहें कि इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से ये सैनिटेशन हुआ हो, साफ सफाई हुई हो फील्ड में, ताकि वो प्राइमरी इनोक्युलम जिससे पहला इन्फेक्शन होता है उससे बचा जा सके। तो पहला काम है सैनिटेशन का। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो कुछ कलेक्शन या जो भी शुगर केन जो है, जो बचे हुए हैं ट्रैश में है, मतलब जो उनका यूज में नहीं है, उसको जला देना, ठीक, तो कलेक्शन करके उनको जला देना, ये दूसरा एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्लांटेशन करना ऐसे कल्टीवार्स का जो कि जिनके अंदर रेजिस्टेंस वैरायटी है। तो ये आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी में प्रिवेंटिव मेजर में आपने ये चीजें देखी होगी कि रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाना, इन्फेक्शन फ्री करना, फंगिसाइड्स डालना। तो कुछ तीन चार पॉइंट आपको हर एक डिजीज साइकिल में देखेंगे कि वहां पे प्रिवेंटिव मेजर यही है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कल्टीवर्स हमें ऐसे, प्लांट्स हमें ऐसे लगाने जिनके अंदर रेजिस्टेंस हो, ताकि वो पॉलिटोट्राइकम फैल्केटम्स को रेजिस्ट कर पाए, उसको रोक पाए, उससे उनके ऊपर इन्फेक्शन ना फैल पाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज के बारे में दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव जो है वो B.O.32 है, ठीक। यहाँ पे साउंड और हेल्दी सेट्स, सीड सेट्स का हम इस्तेमाल करें। यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज से नहीं है, यहाँ पे साउंड और हेल्दी सीड्स का मतलब है कि अच्छे अच्छे सीड्स का हम इस्तेमाल करें, जिसमें ताकि इन्फेक्शन पहले से ना लगा हो। रोटेशन जो है क्रॉप्स की जो करानी है वो काफी लंबी रोटेशन हो, ताकि आराम से ये जो अगर अगर इनके स्पोर्स वगैरह रह भी जाते हैं मिट्टी में तो वो इन्फेक्शन ना कर पाए, ताकि ये सॉइल बोन इन्फेक्शन को रोक सकता है। क्रॉप रोटेशन 2 से 3 साल वाला होता है, तो 2 से 3 साल वाला क्रॉप रोटेशन में ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्रॉप्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, रोटेशन में डाला जाता है। ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं अलग अलग केमिकल्स का, जैसे कि कार्बेंडाजिमिन है, ठीक है, इसका अलग अलग रेशियो लिया गया, 30 मिनट्स के लिए 2.5 ग्राम पर लीटर में इसको ट्रीट किया जा सकता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी दिया गया है, -52 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे के लिए, और 54 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 घंटे के लिए, ठीक है। अच्छा ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये वाटर ट्रीटमेंट जो है ऐसे इधर डैश किया हुआ है कि 52 डिग्री सेल्सियस के लिए 8 घंटे के लिए किया जाता है, और जब अगर 54 डिग्री सेल्सियस तक के लिए है तो 2 घंटे के लिए। हॉट एयर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है 6 घंटे के लिए, और इन्फेक्टेड स्टूल वगैरह को भी रिमूव किया जाता है, मतलब ताकि यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो ना फैल पाए। प्लांट द क्रॉप्स जबकि कंडीशन जो है वो काफी ऑप्टिमल है, मतलब कि ना बहुत ज्यादा इस समय इन्फेक्शन का जब डर नहीं होता, तब उस समय पे आप प्लांट्स लगाए फील्ड में ये, और जर्मिनेट करके प्रॉपर जो है सॉइल, उस समय मॉइस्चर वगैरह हो, ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान दें तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो इन्फेक्शन फ्री ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बच्चों यहाँ पे आज का हम लोग डिजीज देख लेते हैं, और ये लास्ट डिजीज है विल्ट ऑफ अरहर, ठीक। तो अरहर जो है एक तरह का दाल से प्रोड्यूस होता है, तो अरहर जो है उसमें विल्टिंग हो जाती है, विल्टिंग मतलब यहाँ पे डेथ हो जाना एक तरह से, ठीक है। तो विल्टिंग ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर एक डिजीज का नाम है, किसके वजह से ये होता है, तो इसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अब याद करिए आपने बच्चों, फ्यूजेरियम पढ़ा है, किसमें पढ़ा था, ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर, याद आया, तो ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आता है। अब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा है, जैसे कि इसका कोनिडिया जो है वो सिकल शेप का होता है, सेप्टा पाया जाता है, और कैसे कोनिडियोफोर के ऊपर ये ग्रो करता है, क्या इसकी खासियत है, कैसा इसका कलर होता है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हमें यहाँ शुरू भी पता चल गया है कि ये कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, तो बड़े आसानी से हम इसको समझ लेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी तो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, कोनिडिया के जरिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइसीलियम है फंगस का, वो सेप्टेट होता है, तो उसके साथ में ब्रांच्ड होता है और कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है इसके माइसीलियम का या हाइफी का। हाइफी जो है इंटर और इंट्रासेलुलर होते हैं होस्ट टिश्यू फंगस जो है, ये प्रोड्यूस करता है माइक्रो मैक्रो कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। तो याद करिए, ये मैंने आप लोग को जब फ्यूजेरियम पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि 3 तरह के स्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं। छोटे जो कोनिडिया है उनको माइक्रो कोनिडिया कहा जाता है, जो साइज में थोड़े बड़े हैं उनको मैक्रो कोनिडिया, और तीसरे जो रेस्टिंग स्पोर्स थिक वॉल्ड स्पोर है उनको क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक। तो इससे पहले भी आपने देखा, जैसे ड्यूट्रोमाइकोटिना का वो भी मेंबर था, इससे पहले वाला रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो था, तो उसमें भी आपने क्या देखा, उसमें भी यहाँ पे या तो कोनिडिया था या तो क्लेमाइडोस्पोर था। यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है कि कोनिडिया भी 2 तरह का है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक, बाकी चीजें सेम है, क्योंकि आ तो रहा है ड्यूट्रोमाइकोटिना के अंदर ही, है ना। माइक्रो कोनिडिया जो है प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, कोनिडियो फोर के ऊपर। याद करिए शुरू में ही बताया था जब मैं फंगस पढ़ा रही थी, फोर मतलब होता है ब्रांच,
तो भाई कोनिडिया जिस ब्रांच पे होगा उस ब्रांच को कोनिडियो फोर बोलेंगे, और यूजुअली ये एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, यूनिसेल्युलर इसलिए ने कहा जाता है। मैक्रोकोनिडिया जबकि देखा जाए तो ये लॉन्ग सिकल शेप के है, ऐसा शेप, ठीक है, तो इसको सिकल शेप कहते हैं। और इसी को यहाँ पे 3 से 4 सेप्टेट होते हैं, मतलब कि अगर ये सिकल शेप के तो इनके अंदर 3 से 4 सेप्टा पाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पे टैपरिंग एंड्स होते हैं, मतलब जो एंड्स है वो चिपटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरी तरह से फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं उसको स्पोरोडोशियम बोलते हैं। तो जिसके अंदर ये मैक्रोकोनिडिया डेवलप होंगे उसको किस क्या कहेंगे, उस बॉडी को स्पोरोडोशियम, याद रखिएगा। क्लेमाइडोस्पोर्स भी बनते हैं जो कि थिक वॉल्ड है, राउंड या ओवल स्ट्रक्चर के होते हैं और हाइफी के ऊपर बनते हैं। तो बच्चों ये सब आप पढ़ चुके हैं, है ना, कुछ नया आपने अभी नहीं पढ़ा, ये सारे इसीलिए फंगस पहले ही पढ़ा दिया ताकि आपको यूनिट 7 समझने में आसानी रहे। तो ओवल स्ट्रक्चर है जो कि हाइफी के अंदर यहाँ पे बनते हैं, इनका जो पोजीशन है वो एंड पे भी हो सकता है और बीच बीच में भी ये पाए जा सकते हैं, और ये सिंगल भी बन सकते हैं और एक के ऊपर चेन में भी बनते हैं। जैसे मैंने कोनिडिया के बारे में तब बताया तो मैंने बोला सिंगल भी बनते, देखिए एक के ऊपर एक ऐसे इस तरह से भी ये बन सकते हैं, ठीक। तो ये इनकी खासियत है क्लेमाइडोस्पोर्स की, ठीक। ये इनका जो फंक्शन है वो यही है कि ये रेस्टिंग स्पोर है, कोई काम नहीं करेंगे, बस आराम फरमाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक थिक वॉल होता है, आराम फरमाते हैं। जब फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है तभी माइसीलियम या फंगस की बॉडी इस तरह के स्पोर्स को बनाती है। ये देखिए ये डायग्राम आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए अरहर का पेड़ है, ठीक है, और ये पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो गया है, ये देखिए पीछे के कुछ प्लांट्स हैं जो कि हरे हैं, ये जहां पे ये इन्फेक्शन लगा है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का, वहां पे आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से ब्राउन हो गए हैं, तो विल्टिंग हो जाती है, पूरी तरह से जो प्लांट है वही मर जाएगा जब ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का अटैक होता है अरहर जैसे प्लांट्स पे, ठीक। इसके बाद आते हैं इनके सिम्टम्स पे, तो यहाँ पे अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो प्लांट्स जो है अटैक होते हैं जब यहाँ पे 5 से 6 हफ्ते के ये पुराने हो जाते हैं, मतलब 5 से 6 हफ्ता हो गया है, करीब करीब 1 महीने से ऊपर के हो जाते हैं जब प्लांट्स अरहर के, तब अटैक शुरू होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का। और सबसे पहला सिम्टम्स जो है यही है कि पीले पड़ जाते हैं जो लीव्स है, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्लोरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, पीला पड़ जाना लीव्स का। उसके अलावा बाद में लीव्स जो है वो विल्टिंग होने लगती है, मतलब ये मरने लगने लगते हैं, ठीक है, और लीव्स जो है यहाँ पे इन्फेक्टेड प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ये जो प्लांट्स है ये ब्लाइटेड अपीयर होता है, जैसे इनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लग गया हो, और डिजीज जो है ये नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब प्लांट का अगर स्टेम है तो निचले हिस्से से होते हुए ऊपर ऊपर की तरफ ये आपको देखने को मिलेगा, और पूरी तरह से प्लांट जो है वो मर जाता है, डाई कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यूज है वो प्लग हो जाते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो भाई वैस्कुलर टिश्यूज कौन होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, है ना। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू है, तो अपने आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैस्कुलर टिश्यूज जो है ये निकलने लगते हैं। अब जब प्लांट्स को जाइलम के थ्रू वाटर मिल रहा है, फ्लोएम के थ्रू यहाँ पे फूड मिल रहा है, वो चीज जब मिलेगी ही नहीं तो होगा क्या, पूरा प्लांट जो उसकी डेथ हो जाएगी, विल्टिंग हो गई। तो यही चीज इसमें होती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे दिया है कि वेसल्स ऑफ जाइलम, तो जाइलम के जो मेन पार्ट है ये वेसल्स, एक कैटेगरी होती है जाइलम के, भी 4 टाइप्स होते हैं ना, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इनके जो वेसल्स हैं वो खराब होने लगते हैं स्टेम और रूट्स ऑफ प्लांट में, और यहाँ पे विद फंगस का जो माइसीलियम है वो लगने लगता है। इसी के वजह से जो वॉटर है वो भी लीव्स तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जाइलम भी खराब हो गया ना, और उसी समय पे टाइम टू टाइम ये जो फंगस है ये अलग अलग तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों ये चीज आपने 6th यूनिट में पढ़ा था, जहां हम लोग ने पैथोजेंस के बारे में काफी कुछ जाना कि कैसे इन्फेक्शन करते हैं, क्या है इनका नेचर, तो उसमें आपने देखा था कि पैथोजेंस जो है जब ये एंट्री लेते हैं प्लांट में तो ये बहुत सारे केमिकल्स, एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है, और गम्स प्रोड्यूस करता है टाइलोसिस के जरिए। टाइलोसिस छोटे छोटे ओपनिंग है जो कि स्टेम पे पाए जाते हैं और जाइलम वेसल्स में, जो कि पूरी तरह से प्लांट्स को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। और ये जो टाइलोसिस है ना ये आपको जाइलम के पास देखने को मिलेंगे, ये टाइलोसिस ना कुछ ऐसे दिखते हैं बच्चों, ऐसा, ठीक है, ये टाइलोसिस ऐसे दिखते हैं, तो वहां पे भी ये इन्फेक्शन करते हैं। तो ये है बच्चों कि किस तरह से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का जब ये अरहर की विल्टिंग कर देते हैं, ठीक।
अब आगे आए तो इनका आता है डिजीज साइकिल, किस तरह से इनकी डिजीज साइकिल चलेगी। तो भाई डिजीज साइकिल पढ़ने का मतलब है हमें इनका स्पोर्स का नाम याद होना चाहिए। तो स्पोर्स का नाम तो हमें अब याद हो चुका है कि तीन तरह के इधर स्पोर्स बनते हैं फ्यूजेरियम में, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो डिजीज साइकिल की अगर बात करें तो माइसीलियम जो है फंगस का, वो मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया बनाता है और क्लेमाइडोस्पोर्स बनाता है, जो कि सॉइल में रहते हैं एक डोरमेंट फेज की तरह, क्योंकि क्लेमाइडोस्पोर का मतलब ये रेस्टिंग स्पोर। अब आगे चल के ये जर्मिनेट करते हैं और इनके डोरमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बाहर रहेंगे, ये जर्म ट्यूब्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि रूट सर्फेस से जुड़े रहेंगे और इसी से ये इन्फेक्शन करते हैं, रूट से शुरुआत करेंगे। क्योंकि अभी अभी देखिए हमने सैम्पल्स में देखा कि जब इनका अटैक होता है अरहर के प्लांट में तो ये इन्फेक्शन शुरुआत बॉटम से होता है और पहुंचता टॉप तक है। तो यहाँ पे अगर बॉटम से इन्फेक्शन हो रहा है तो मतलब कौन से पार्ट पे जाएगा, रूट पे ही ना जाएगा, बॉटम में रूट्स है ना, तो वहीं से ये इन्फेक्शन शुरू होता है। आगे चल के ये पूरी तरह से झुंड में आने लगते हैं, कॉलोनाइजेशन होने लगेगा जाइलम वेसल्स का और फिर टॉक्सिक सब्सटेंस और गम्स जो है ये प्रोड्यूस करेंगे जाइलम वेसल्स के अंदर, ताकि आसानी से जो जाइलम में पानी जा रहा था ना रूट से स्टेम तक, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक, वो ना जा पाए। तो वो चीज यहाँ शुरू हो जाती है, ऐसे ब्लॉकिंग हो जाती है जाइलम वेसल्स की और फाइनली जब जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो गए तो भाई पानी कैसे जाएगा प्लांट्स में, तो नहीं जा पाता। और इसी से यहाँ पे ड्रूपिंग हो जाती है, मतलब जो लीव्स है वो पूरी तरह से ऐसे नीचे की तरफ लटक जाते हैं, ऐसे इसको कहते हैं ड्रूपिंग हो जाना। ठीक है, तो ये पूरा स्टेम है, इसपे लीव्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। विल्टिंग हो जाती है और डेथ हो जाती है पूरे ओवरऑल प्लांट की, काफी खतरनाक है ना। और आगे चल के यहाँ माइक्रो मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फिर से ये जो भी प्लांट है उसके आसपास की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वहां पे ये स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो इस तरह से ये रहता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे इनका डिजीज साइकिल जो है उसको ध्यान से इधर देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्यूजेरियम की स्पीशीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए बीच बीच में इनके जो माइसीलियम है ना, इनके बीच में ये स्पोर्स बन रहे हैं। तो भाई ये जो गोल गोल है वो क्लेमाइडोस्पोर हुए, क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये इन्फेक्शन करेंगे फील्ड में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको कोनिडिया दिख रहा है, ये वाला माइक्रो है क्योंकि देखिए ये साइज में छोटा दिख रहा है आपको, है ना, और ये वाले देखिए बड़े साइज में सिकल शेप वाले, तो ये मैक्रो कोनिडिया है। तो ये तीन तरह के यहाँ पे स्पोर्स हो गए। ठीक, अब यहाँ पे ये देख रहे हैं अलग अलग तरीके से अटैक कर रहे हैं प्लांट पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स है ये इन्फेक्शन दे रहा है फील्ड में, मतलब ये सॉइल में रहेगा। ठीक, तो बनाना की विल्टिंग करता है ये, ऐसा नहीं है सिर्फ अरहर की विल्टिंग करेगा, बनाना की विल्टिंग कर देगा। देख रहे हैं इसका जो लीव्स है ना ये धीरे धीरे ब्राउन होने लगेगा। पपाया के जो पपाया जो पपीता होता है उसके स्टेम में विल्टिंग कर देता है, पपाया के रूट रॉट कर देता है, मैंगो लीफ में भी स्पॉट हो जाता है और इस तरह से पाइनएप्पल वगैरह मैंगो वगैरह में भी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स और कोनिडिया के जरिए। उसके अलावा जो माइक्रो कोनिडिया है वो देखिए इन्फेक्शन कब देता है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, मतलब कटाई के बाद में भी यहाँ पे ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ऐसी जगह है फ्रूट्स में जहां पे कटे हुए हैं, जहां पे घाव कहीं लगा है, तो वहां से ये आसानी से अंदर घुसेंगे और फिर इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो कई बार आपको ये प्लांट फ्रूट्स में भी आपको इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का। अगेन बच्चों अगर इसमें भी हम लोग बात करें इनके प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो प्रिवेंशन के लिए अगेन हमें अलग अलग तरह के फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो भी पार्ट्स में अटैक हुआ है वहां से उसको निकाल कर उसको जला वला देना चाहिए, पूरी तरह से वो खराब हो जाए। उसके अलावा आप लॉन्ग क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं और इस तरह से बच्चों इनसे भी डील किया जा सकता है। बट फिर भी थोड़ा सा टफ हो जाता है इनसे डील करना, क्योंकि एक बार ये विल्टिंग करना शुरू कर दिया, अटैक हो गया, उसके बाद बचाना इनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देख रहे हैं ना किस तरह से इनका इन्फेक्शन फैल रहा है, शुरुआत कर रहे हैं बॉटम से ऊपर तक और जो एकदम मेन जो ट्रांसपोर्टेशन जहां हो रहा है प्लांट से उस पर ही अटैक कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी खतरनाक हो जाते हैं। जाइलम पे, फ्लोएम पे, उस पर अटैक कर देते हैं ताकि आसानी से खाना पानी भी ना पहुंच पाए। तो ओवरऑल ये प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत सारे डिजीजेस जो थी वो आज के क्लास में हमने पढ़ ली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जाते जाते हम लोग यहाँ पे कोर्स की डिटेल्स की बात कर लें। अगर आप भी घर बैठे बैठे बच्चों यहाँ पे अगर हमारा ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसको बाय करना चाहते हैं, अगर आप भी उनमें से हैं जो कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं और हमारा घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं, सेमेस्टर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा जो ये कोर्स है इसको बाय कर सकते हैं। हमारा जो ये कोर्स है ये बी एस सी मैथ्स के लिए,
बीएससी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए रन करता है। अगर कोर्स के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको हमारे कुछ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में अभी जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जा रहे हैं ये यूट्यूब पे तो जाते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो ऐप है उस पर भी रन करता है। उसके साथ आपको लाइव डाउट सेशंस वगैरह मिल जाएंगे, क्लास नोट्स हमारे पीडीएफ मिलते रहेंगे जो कि काफी कंप्रेस्ड होते हैं। उसके अलावा पीवाईक्यूज आपको सॉल्यूशंस के साथ कराया जाएगा, मॉडल सैंपल पेपर दिया जाएगा, उसके अलावा हमारे थ्रू स्पेशल गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती ही रहेगी, है ना। ये जो पूरा कोर्स है बच्चों, ये 5 मंथ्स का कोर्स है, उसके अंदर ही अंदर हमारा जो कोर्स है वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे, उससे भी पहले जब आपका कॉलेजेस में कोर्स कंप्लीट होगा, और उसी के अंदर अंदर हम लोग एग्जाम्स के जो तैयारी है, क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आप अगर ये पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारा जो कोर्स है इसकी पूरी एक सेमेस्टर की जो फीस है वो है 1199 सिर्फ, ठीक है, काफी कम प्राइस है। और ये पूरी कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपके पास एक साल के रहेगी। एक साल तक अगर आपने ये कोर्स एक इतने प्राइस में बाय किया है तो आपके कोर्स आपके पास एक साल तक रहेगा, ठीक। बाकी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारा ये जो डीएनएस एजुकेयर ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके रखिएगा। अगर आप ये फिर कोर्स परचेज करते हैं तो आपको सारे हमारे जितने भी लेक्चर्स वीडियोज हैं वो हमारे इस ऐप पर ही जाते हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और डिजीजेस हैं उनको देख लेंगे। और आई होप आप जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो देखते रह रहे हैं, सिलेबस आप टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस समय रुक जाएंगे तो बहुत सिलेबस का लोड पड़ जाएगा, लेक्चर्स क्योंकि लगातार मैं ले रही हूँ आपके पास लोड बढ़ेगा फालतू में, तो उस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, यूनिट 7th ही कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।